सो फाइनली काफी समय का वेट करने के बाद आइंडी मनी ऐप पर दोबारा से फ्री में फंड्स ऐड होने स्टार्ट हो गए हैं। जिन लोगों को भी नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि काफी समय से आइंडी मनी ऐप पर फंड्स ऐड करने पर रोक लगा रखी थी आरबीआई के द्वारा। तो पूरा मैटर क्या था उस समय आपको जल्दी से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आइंडी मनी ने एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी। इसी बैंक के थ्रू आपके पैसे INR में कन्वर्ट होते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के, एंड फिर उन डॉलर से आप यूएस मार्केट के स्टॉक को बाय कर सकते थे। तो आरबीआई ने आइंडी मनी और वेस्टेड दोनों ऐप को एक एक नोटिस सेंड किया था कि एसबीएम बैंक के द्वारा INR को डॉलर में कन्वर्ट करना फिलहाल के लिए स्टॉप कर दें, क्योंकि एसबीएम बैंक आरबीआई के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है। इसीलिए ही काफी समय से आइंडी मनी में फ्री में फंड्स ऐड नहीं हो रहे थे। फंड्स आप ऐड कर सकते थे ICICI बैंक के थ्रू, पर इसके लिए आपको हर ट्रांजेक्शन पर ₹500 का चार्ज देना पड़ रहा था। इस मेथड के अलावा कोई भी दूसरा मेथड नहीं था जिसका यूज कर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सके। पर अब एक गुड न्यूज आई है, अब आप बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के अपने INR को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर आप उन डॉलर्स का यूज कर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू आइंडी मनी, जैसे आप पहले कर पा रहे थे सेम वैसे ही। तो 17 अप्रैल को आइंडी मनी की तरफ से हमें कुछ इस प्रकार का मैसेज रिसीव हुआ कि अब आप पहले की तरह ही बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के आइंडी मनी में फंड्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारी एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप थी और अब हमारी पार्टनरशिप फेडरल बैंक के साथ हो गई है। तो इधर आपको जो भी सर्विस एसबीएम बैंक के साथ मिलकर दी जा रही थी वह अब आपको फेडरल बैंक के साथ मिलकर दी जाएगी। तो अगर आपको भी कुछ इसी तरीके का मेल रिसीव हुआ है तो आप भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के फ्री में अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव इनवाइट, यानी कि जिन्हें भी कुछ इस तरीके का मेल रिसीव हुआ है वही लोग आइंडी मनी में भी फिलहाल के लिए फ्री में फंड्स को ऐड कर सकते हैं। अभी ये सर्विस सिर्फ कुछ ही यूजर्स को ट्रायल के लिए दिया जा रहा है, जल्द ही ये सर्विस आइंडी मनी के सभी यूजर्स को मिल जाएगी। तो 2023 में नए तरीके से आइंडी मनी में फंड्स को कैसे ऐड करना है, कैसे यूएस स्टॉक को बाय करना है, कैसे उन्हें सेल करना है और कैसे अपने पैसे को विड्रॉ करके अपने बैंक में लेना है, इस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगी। तो ये वीडियो अभी फिलहाल के लिए क्विक अपडेट फॉर्म में बनाई गई है। इस चैनल पर हमेशा से डिटेल वीडियो ही आई है और वही आएगी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी डिटेल वीडियो जल्दी इस चैनल पर आने वाली है।